गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज फिर से मैं एक रिव्यू प्रोडक्ट लाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए. जी हाँ, ये फिर से अपने समर सीजन से रिलेटेड है, क्योंकि ये है VLCC का 3D यूथ बूस्ट सनस्क्रीन जेल क्रीम. तो जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है 3D यूथ बूस्ट सनस्क्रीन जेल क्रीम, और ये आता है SPF 40 के साथ. PA++++ 3+ है इसमें, और इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन है. दैट मीन्स UV प्रोटेक्शन के साथ आता है ये, और इस पे लिखा हुआ है कि इट बूस्ट योर स्किन यूथ, इट इम्प्रूव्स योर स्किन इलास्टिसिटी, इट फेड्स द डार्क स्पॉट्स. तो बेसिकली इनकी ये जो नई रेंज आई हुई है, इसमें हर स्किन प्रॉब्लम पे टारगेट किया हुआ है अलॉन्ग विद द सनस्क्रीन इफेक्ट. पे लिखा हुआ है कि ये एक पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है. ये सनस्क्रीन ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स के लिए चल जाएगा, क्योंकि इस पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस स्किन टाइप के लिए है. अब इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे में बताऊंगी कि ये बेसिकली इसमें जो सारा यूनिक फॉर्मूला इन्होंने डाला हुआ है, उससे आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम UVA रेज एंड UVB रेज ऑफ कोर्स. एंड इसमें काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं प्लांट्स के, जो वर्क करते हैं इफेक्टिवली टू मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी, फर्मनेस, ऑल्सो हाइड्रेट द स्किन while fading dark spots and reducing skin pigmentation for even skin tones. So you all know how to apply the sunscreen. तो अच्छे खासे अमाउंट में आप सनस्क्रीन लीजिए और आपके स्किन पे उसकी एक लेयर क्रिएट कीजिए. कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं करना है आपके स्किन पे, अच्छे से लेयर बना देना है. इट जस्ट सिंक्स डाउन आफ्टर 5 मिनट्स इमीजिएटली. और इसका टेक्स्चर मैं आपको बता देती हूँ या दिखा देती हूँ. तो इसका जो टेक्स्चर है, ये रहा इसका टेक्सचर. इवन दो उन्होंने कहा है कि जेल क्रीम, दैट डजंट मीन कि ये जेल या ट्रांसपेरेंट रहेगा. ये है इस तरह की क्रीम जो आप देख सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी स्टिकी या थिक नहीं है. ये जल्दी से मेल्ट डाउन हो जाती है. मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ. और ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देता है. एनीवे, अच्छी बात है, मैंने बहुत सारा लिया है, ताकि आप देख भी सकते हो कि जितना मैंने प्रोडक्ट लिया था, उतना अगर आप लेते हो तो आपके फेस पे किस तरह से वो मेल्टडाउन होगा. देख सकते हो ये पूरी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है. बिल्कुल ग्रीसी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और एकदम अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है. इट हैज़ वेरी माइल्ड एंड फ्रेश फ्रेग्रेंस, जो आपको एकदम फ्रेश सेंसेशन देगा. जैसे इन्होंने कहा है, इट हाइड्रेट्स योर स्किन. तो यस, मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड फील हो रही है. यहाँ यूजुअली जब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो मुझे काफ़ी हैवी फीलिंग आती है. तो मैं जब से ये लिया है, मैंने अपना मॉइस्चराइज़र स्किप किया है, क्योंकि एनीवे इट गिव्स मी अ गुड हाइड्रेशन. तो मुझे अलग से मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है. पहली बात, एज अ सनस्क्रीन इट वर्क्स बेस्ट. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ये फर्मनेस और इलास्टिसिटी देता है. तो मेरे ख्याल से इट टेक्स टाइम टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स. तो अभी तक तीन हफ्ते हो चुके हैं, तो इसमें मुझे अभी तक ये कुछ फील नहीं हुआ है. और मुझे लगता है वो सब फील करने के लिए थोड़ी सी दैट काइंड ऑफ सैगिंग या यू नो दैट काइंड ऑफ स्किन यू नीड टू रियली सी द विजिबल डिफरेंस. यहाँ तक इवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स की रिडक्शन की बात है, तो इवन स्किन टोन येस आई फील दैट, क्योंकि इवन दो आई हैव पिगमेंटेशन, मैं इसको जब लगाती हूँ तो मुझे एक धीरे धीरे फील हो रहा है कि मेरी स्किन का टोन चेंज हो रहा है, इवन लग रहा है. डार्क स्पॉट्स रिडक्शन की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए भी मुझे इसको और यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क स्पॉट रिडक्शन बहुत स्लो होता है. इट डजेंट हैपन ओवरनाइट. इवन 2-3 वीक्स में मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा मेरे डार्क स्पॉट्स में. आई थिंक ये मुझे आराम से 2-3 महीने चल जाएगा. उतने दिनों में अगर मुझे ये डार्क स्पॉट्स रिडक्शन या फर्मनेस का एक्सपीरियंस आता है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपडेट कर दूंगी. इस
इसका सिर्फ एक कॉन मुझे लगा, वो ये है कि ये थोड़ा सा स्वेट और ऑयल कंट्रोल नहीं करता है। मैं घर पे सिर्फ जब लगाती हूँ तो सिर्फ ये सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मुझे एक दो घंटे के बाद ऑयल सिक्रीशन दिखता है, मेरी स्किन ऑयली लगने लगती है, तो वो कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन अगर मैंने मेकअप किया है उसके अंदर के स्टेप्स में मैंने ये लगा लिया है तो आई डोंट फील दैट, क्योंकि मेरे स्किन पे काफ़ी सारे लेयर्स आ जाते हैं और कॉम्पैक्ट आ जाती है, तो इट काइंड ऑफ कंट्रोल्स दैट टाइम। तो उससे 3 घंटे में हमेशा आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहिए। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे एक अलग लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ये प्रोडक्ट और मेरा काम हो जाता है। ये है मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, होप आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।